आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के प्रमुख डाकघरों में तिरंगा झंडों की बिक्री की जा रही है, जिसके तहत डाकघरों से 25 रुपए कीमत में तिरंगा झंडा बिक्री किया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग की ओर से ब्यावर मंडल को 39,200 तिरंगे झंडों की बिक्री का लक्ष्य दिया गया। लक्ष्य को 100% अर्जित करने के लिए ब्यावर डाक मंडल की टीम मुख्य अधीक्षक डाकघर विजय सिंह जैन के नेतृत्व में लगी हुई है और इस दौरान मुख्य डाकघर के साथ साथ शहर की विभिन्न संस्थाओं प्रतिष्ठानों में जाकर तिरंगा बिक्री किया जा रहा है। मुख्य डाकघर अधीक्षक विजय सिंह ने कहा कि भारतीय डाक विभाग की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत मिले हुए लक्ष्य के मुकाबले ब्यावर मंडल की टीम अब तक 25,000 से अधिक तिरंगे झंडे वितरित भी कर चुकी है। जैन ने कहा कि टीम ने शनिवार को शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में जाकर तिरंगे बिक्री किए हैं और शीघ्र ही अपने लक्ष्य को पूरा भी कर पाएगी। जैन ने सभी शहरवासियों से भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने घरों, प्रतिष्ठानों और संस्थाओं पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए मुख्य डाकघर से मात्र 25 रुपए कीमत में तिरंगा झंडा प्राप्त करने की अपील की है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर, संस्थान, प्रतिष्ठान और कॉरपोरेट कार्यालय, विद्यालय सभी में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा सम्मान के साथ लगाने का आह्वान किया गया है। इसी के तहत ब्यावर मंडल को 39,200 तिरंगे आमजन में वितरण हेतु प्राप्त हुए हैं। मुझे बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि ब्यावर मंडल की टीम ने 25,000 से ज़्यादा तिरंगा आमजन को वितरण किया है, जिसके लिए मैं हमारी ब्यावर मंडल की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आमजन से अपील करता हूँ कि उत्साह के साथ और गर्म जोशी के साथ आप 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, जो आज़ादी का प्रतीक है, गर्व से फहराएं और अपने नज़दीकी डाकघर से मात्र 25 रुपए देकर के आप तिरंगा प्राप्त कर सकते हैं।